एक हफ्ते में सेक्स कितने बार करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल हमें आते रहते हैं, लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पूछते रहते हैं कि मैं कितने बार सेक्स कर सकता हूँ, कितने बार सेक्स करना चाहिए। चलो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कितने बार सेक्स करना चाहिए, इसका कोई भी जवाब नहीं है, राइट आंसर नहीं है कि कितने बार करना चाहिए, कितने भी बार करना चाहिए, इच्छा कितनी उसके ऊपर है। यूजुअली ऐसा पाया गया है कि जो कपल हफ्ते में एक बार ऑन एन एवरेज सेक्स करते हैं वो ज़्यादा हैप्पी है, ज़्यादा खुश है, कंपेरेटिव टू दोस्त जो दो हफ्ते में एक बार करते हैं। मतलब कम से कम हफ्ते में एक बार करने वाले जो कपल्स है उनका हैप्पीनेस, उनकी खुशियाँ ज़्यादा पाई गई है स्टडीज़ के अनुसार। कुछ लोग हफ्ते में दो बार करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में तीन बार करते हैं, कुछ लोग एक बार रोज करते हैं। फिर लोग कंपेयर करते हैं, कुछ लोग ऐसी फूंक मार देते हैं कि मैं तो रोज रात को चार बार करता हूँ, तो उसका दोस्त जो है वो डिप्रेशन में चले जाता है कि भाई वो चार बार कर रहा, मैं तो एक हफ्ते में एक बार कर रहा हूँ, फिर मेरी वाइफ खुश रहेंगी क्या, खुश हो रही क्या, वो कहीं बाहर जा रही क्या, ऐसा उसको एक इन्फेरिटी आ जाती है। तो सेक्स का ऐसा कोई मापदंड नहीं है, आप कितने भी बार सेक्स करो, जरूरी यह है कि आप सेक्स में खुश है क्या, सेटिस्फाइड है क्या। एक बार भी आप करते हो मगर उसमें आपको प्रॉपर ऑर्गेजम आ रहा है क्या, आप चरम सीमा पे पहुंच रहे क्या, दोनों भी पति पत्नी, और एक ही सेक्स में भी उनको बहुत अच्छा सुख मिलता है, चरम सीमा पे पहुंचते तो एक बार करना भी कोई एबनॉर्मल नहीं, एक बार होते भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा सेक्स करने से फायदे हैं। ऐसा पाया गया है कि जो रोज सेक्स करते हैं या ज़्यादा सेक्स करते हैं ऑफन, उनका उनको हार्ट का प्रॉब्लम कम पाया गया, क्योंकि वो एक तरह की एक्सरसाइज है और उनमें हार्ट प्रॉब्लम कम पाया गया है। सेक्स के बाद में एंडोर्फिन्स लेवल बढ़ जाती है ज़्यादा, तो एंडोर्फिन इज ए फील गुड हार्मोन, इंटीमेसी ज़्यादा करता है, वो एक अपनेपन की भावना ज़्यादा लाता है, तो वो भी एक फ़ायदा है कि अपनेपन की भावना ज़्यादा होती है। फिर दिन भर के झगड़े जो है वो बेड पर ख़त्म हो जाते हैं, यदि साथ सोते और सेक्स करते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं दिन भर के झगड़े। जो रेगुलर सेक्स करते हैं उनका प्रोस्टेट कैंसर जो है, कुछ स्टडीज़ के अनुसार प्रोस्टेट कैंसर का प्रमाण कम पाया गया है। तो ऐसे सेक्स करने के फायदे भी बहुत हैं। सेटिस्फैक्शन होना, चरम सीमा पे पहुंचना, ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी उसमें मत जाओ कि मैं कितना ज़्यादा समय तक सेक्स कर रहा हूँ, क्योंकि आप पॉर्न वीडियो देखते होंगे तो पॉर्न वीडियो में आधा आधा एक एक घंटा सेक्स चल रहा है, आपको लगता है कि मेरा टाइम कम है। एवरेज टाइम जो है वो 5 मिनट 40 सेकंड का है, एवरेज टाइम 5 मिनट 40 सेकंड। पूरा का पूरा जो सेक्स है, फोर प्ले, सेक्स और आफ्टर प्ले, ये 20-30 मिनट होना चाहिए। मतलब पहले आप अंदर डालने के पहले खेलते हैं, एक दूसरे को एक्साइट करते हैं, हगिंग, किसिंग, एम्ब्रेसिंग, हाथ घुमाना, मसाज करना, क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करना, फिंगरिंग करना, ये सब करते तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट स्त्री को आता है। स्त्री ने देखना चाहिए कि पति को कहाँ कहाँ से ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलता है, उसने वहाँ करना चाहिए। और बाद में फिर पेनिट्रेशन है, बाद में फिर लिंगा योनि में प्रवेश है, और एक बार स्खलन हो जाता है तो उसके बाद में आफ्टर प्ले, एक दूसरे के साथ में सोना, बातें करना, रोमांस करना, बाद में भी करना जरूरी है, और स्त्री को वो भी अच्छा लगता है। तो आप उसमें कभी जाना नहीं है कि मैं रोज़ नहीं कर सकता हूँ इसका मतलब मैं कुछ कमज़ोर हूँ, रोज़ नहीं कर सकता इसका मतलब मेरी औरत और कहीं जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरेज में हो सकता है कि शादी के बाद 1 साल तक आप रोज़ करते होंगे सेक्स, उम्र कितनी है उसके ऊपर भी है। एक बार 1 साल हो गया, बच्चा हो गया, तो नेचुरली धीरे 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 दिमाग के ऊपर परेशानियाँ, प्रेशर, जमाने की मार, ज़िंदगी की ठोकर, टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन है, बच्चों का टेंशन, नेचुरली जितना ज़्यादा टेंशन उतना कम सेक्स। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन, ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी
सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।